The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. So, we are going to talk about very very important topic, it's your immune system. Lekin before, hum ये बात करेंगे कि आपका इम्यून सिस्टम आपको बचा किससे रहा है और किस किस से बचा रहा है। अगर आज एक वायरस आपको इतना परेशान कर सकता है, आपकी जान पे बन सकती है, तो सोचिए, वायरस एक नॉन लिविंग, जी हाँ, एक नॉन लिविंग एंटिटी है, जिंदा नहीं है वायरस, वो आपके अंदर जाके इतना नुकसान कर सकता है। तो एक जिंदा चीज, एक बैक्टीरिया, एक प्रोटोजोआ, एक फंगस, एक हेलमिंट, एक पैरासाइट, इतने सारी चीज़ें हैं दुनिया में कि पूछो मत। तो क्या क्या जर्म्स हैं दुनिया में वो समझते हैं, और आपका इम्यून सिस्टम को, अपने आप को, खुद को कैसे प्रोटेक्ट रखना है आपको, ये समझते हैं। क्योंकि खतरा सिर्फ एक कोरोना वायरस से नहीं है, खतरा बहुत सारी चीज़ों से है आपको, और हर दिन होता है, हर वक्त होता है। और इसी के वजह से कई सारे इन जीवाणु, कीटाणु, माइक्रोबैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के वजह से आप बीमार होते हो रेगुलरली। सो जर्म्स आर एवरीवेयर, सबको पता है जर्म्स हर जगह होते हैं, और यू कैन फाइंड जर्म्स, माइक्रोब्स, इवन इन द एयर, हवा में, खाने में जो आप खा रहे हो उसमें, प्लांट्स में, एनिमल में, जमीन में, पानी में, हर जगह आपकी बॉडी पे, आपके बॉडी के अंदर हर जगह जर्म्स हैं। और ज्यादातर जर्म्स, यू मीन मेजॉरिटी ऑफ जर्म्स, आपको हार्म नहीं करते, आपको दिक्कत नहीं करती। तो जो एक्चुअल दूसरे हार्मफुल जर्म्स हैं, जो आपको हार्म कर सकते हैं, दी इन्फेक्शियस एजेंट्स, उनसे आपकी बॉडी की इम्यून सिस्टम आपको बचाती है। और क्योंकि जर्म्स भी, सारे के सारे जर्म्स रेगुलरली म्यूटेट होते रहते हैं, उनकी लाइफ साइकिल इंसानों जितनी नहीं होती, वो घपाघप म्यूटेट होते हैं, राइट? सो दे म्यूटेट टू, और आपकी इम्यून सिस्टम को वो छेदने, फेदने के लिए म्यूटेट होते हैं, आपके अंदर आने के लिए, आपके अंदर आपको इन्फेक्ट करने के लिए, राइट? तो आपको भी समझना पड़ेगा कि जर्म्स कैसे काम करते हैं और उनसे आप कैसे बचें, वरना नहीं बच पाओगे, मीनिंग यू बीमार हो जाओगे। सो जर्म्स में आते हैं बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई, प्रोटोजोन्स, हेलमिंट्स, ये साइजेस और शेप्स, अलग अलग साइज शेप में आते हैं। बैक्टीरिया के बारे में सुना होगा, बैक्टीरिया मतलब एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है जो कि माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है, और सिर्फ माइक्रोस्कोप से, और इतने छोटे होते हैं कि अगर एक साथ अगर थाउजेंड्स को लगा दोगे तो एक पेंसिल, थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स, तो एक पेंसिल के इरेजर जितने भी नहीं पड़ेंगे, वो इरेजर के, पेंसिल इरेजर के टिप टिप तो टिप उतने भी नहीं पड़ेंगे, टिप की बात होगी। सो मगर सारे बैक्टीरिया हार्मफुल नहीं है, कुछ बैक्टीरिया अच्छे होते हैं, नॉर्मल कमेंसल्स होते हैं, आपके शरीर में ऑलरेडी जी रहे होते हैं, जैसे लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस, ये एक हार्मलेस बैक्टीरिया है जो आपके खुद के इंटेस्टाइन में रहता है, आपको हेल्प करता है आपके खाने को एब्जॉर्ब करने में, और कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स को डिस्ट्रॉय करने में भी ये हेल्प करता है, और इवन आपको न्यूट्रिएंट भी देता है। जी हाँ, न्यूट्रिएंट भी देता है, खाने को फर्मेंट भी करता है। तो दैट्स द थिंग, मेनी डिजीजेस आर कॉज्ड बिकॉज ऑफ टॉक्सिन्स आल्सो, टॉक्सिन्स बनते हैं बैक्टीरिया से, जो कि बहुत सारी बीमारियां कॉज करते हैं। और टॉक्सिन मतलब केमिकल आपके सेल के अंदर जाएगा, आपको बीमार करेगा, कुछ केमिकल प्रॉब्लम्स में, कभी डैमेज करेगा, कभी डेथ करेगा, कभी इरिटेट करेगा, कभी एलर्जी करेगा, और इन्हीं सारे केमिकल्स के, बैक्टीरियाज के वजह से आपको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, ट्यूबरकुलोसिस, गला खराब, थ्रोट इन्फेक्शंस, और बहुत हर एक जगह जहां पे पस आती है, ज़्यादातर केसेस में वहां बैक्टीरिया इन्वॉल्व होता है ज़्यादातर। वायरस छोटे होते हैं, वायरस में सेल से भी बहुत छोटे होते हैं, इनफैक्ट वायरस आर बेसिकली जस्ट एक कैप्सूल है जिसमें एक जेनेटिक मटेरियल है, छोटा सा पीस है डीएनए का या छोटा सा पीस है आरएनए का, और वायरस जो है आपके सेल के, आपके बॉडी के अंदर आएगा कैसे ना कैसे, या तो आपका मुंह के थ्रू, खाना खा लिया, या छींक सांस लेने के थ्रू, या फिर खून के थ्रू, और आपके सेल के अंदर पहुंच के, चाहे लंग के सेल, ब्लड के सेल, या
आपके लिवर के सेल, किडनी के सेल, उनके सेल्स के अंदर, उनके सेल के अंदर जाके उनकी मशीनरी हाईजैक करके मल्टीप्लीकेट होते हैं, वायरस पे वायरस, वायरस पे वायरस बना के कैप्सूल्स बन के सब जगह फैल जाते हैं और डैमेज करना शुरू कर देते हैं, फिर वो सेल फूटने लग जाते, खराब होने लग जाते हैं। इसी तरीके के सारे वायरसेस होते हैं आपके, चाहे एड्स हो, HIV एड्स, कॉमन कोल्ड, इबोला, जेनाइटल हर्पीज, इन्फ्लुएंजा, मीजल्स, चिकन पॉक्स, हिंगल्स, वेरिसेला, HPV, कुछ भी वायरस, सारे ऐसे ही काम करते हैं। एंटीबायोटिक्स आर डिजाइंड फॉर बैक्टीरियाज। एंटीबायोटिक्स जो बैक्टीरियाज के ऊपर डिजाइन है वो वायरस पे काम नहीं करते। एंटीवायरल कुछ वायरसेस के ऊपर काम करते हैं जो वायरसेस के मल्टीप्लीकेशन प्रोसेस को रोक देते हैं, तो वायरस बढ़ नहीं पाता और आपकी बॉडी उसको आराम से हैंडल भी कर पाती है, उससे रिकवर भी कर पाती है, उसको मार भी पाती है। फंगाई, फंगस, फंगस मतलब एक ऑर्गेनिज्म है, फंगाई है, फंगस सुना तो होगा, और हम कई बार उसको खाते, कई सारे फंगसेस को हम खाते हैं। मशरूम भी एक तरीके का फंगस है, जी हाँ, और मोल्ड्स भी एक तरीके के फंगस है, ब्लू ग्रीन जो एल्गे है, यीस्ट है, ये सारे फंगस है एक तरीके के। कई सारे ब्रेड को बनाने में फंगस इस्तेमाल होता है, यीस्ट भी उसी में इस्तेमाल होता है, मगर कुछ तरीके के फंगस है जो बीमारी कर सकते हैं। ऐसा है कैंडिडा, सफ़ेद रंग का फंगस जो कि कई बार आपके मुंह के अंदर भी पाया जाता है, जो मुंह में कैंडिडा कर सकता है, ओरल थ्रश, मुंह के अंदर जबान सफ़ेद सफ़ेद नज़र आती है किसी किसी में बहुत ही ज़्यादा, दैट कैन बी कैंडिडा। और माउथ, माउथ के अलावा इवन अंदर आपके वजाइना के अंदर, आपके बॉडी के अंदर इन्फेक्शन कर सकते हैं, सो दे कैन कॉज बहुत बहुत बड़े प्रॉब्लम्स। और स्किन के ऊपर तो होते ही है फंगल इन्फेक्शन, यहाँ पे खुजली, वहाँ पे खुजली, अंदर नीचे, वहाँ पे पैंट के अंदर खुजली, तो फंगल इन्फेक्शन आर वेरी कॉमन ऑन द स्किन, राइट, पैरों में, नेल्स में, वेरी वेरी कॉमन भाई, 90% लोग इंडिया के अंदर है, कभी ना कभी तो फंगल इन्फेक्शन हुआ ही हुआ है, राइट। फिर आया प्रोटोजोन। प्रोटोजोन क्या है भाई? प्रोटोजोन भी एक सिंगल सेल, टाइनी 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 ऑर्गेनिज्म है। ये क्या करते हैं ये भाई साहब? ये शिकार है, शिकारी है, शिकारी, ये हंट करते रहते हैं, गैदर करते रहते हैं और जमा करते रहते हैं दूसरे ऑर्गेनिजम्स को, उनको खाते हैं, ये उनको खाते हैं दूसरे ऑर्गेनिजम्स को, राइट। और कभी कभी ये प्रोटोजोन्स आपके अंदर अगर चले गए, जो हमने लंबे लंबे कीड़े नहीं निकलते, लंबे लंबे कीड़े, जीआरडियासिस, टॉक्सोप्लाज्मोसिस, मलेरिया भी एक तरीके से प्रोटोजोन, यानी पैरासाइट, प्रोटोजोन का मतलब पैरासाइट होता है। सो ये प्रोटोजोन दूसरे ऑर्गेनिजम्स को खाते हैं और ऑफन हमारे लाइफ, उनके लाइफ साइकिल में ह्यूमन के अंदर भी स्प्रेड होते हैं, स्पॉइल्स में, फीको ओरल रूट्स, मतलब हमारे गंदे हाथों से जाते हैं, अगर आप प्रॉपर हैंड हाइजीन नहीं फॉलो करते हैं तो आपके अंदर चले जाते हैं, राइट। प्रोटोजोन्स ऐसे होते हैं और ऑब्वियसली भी, तो फिर जाएंगे अंदर तो अपना काम करेंगे, हर एक प्रोटोजोन का अपना अपना अलग है, मलेरिया वाला वीडियो ऑलरेडी है, जाके देख सकते हो, और बाकी सारे वीडियो धीरे धीरे आते रहेंगे। हेलमिंथ का क्या मतलब है? हेलमिंथ बड़े होते हैं, हेलमिंथ बड़े लार्ज पैरासाइट होते हैं। हेलमिंथ, हेल मतलब बड़ा, वर्ड हेलमिंथ मतलब वर्म का मतलब है, तो वर्म जो निकलते हैं वो एक्चुअली हेलमिंथ है, प्रोटोजोन पैरासाइट है जो मलेरिया, टॉक्सो, जियार्डिया, छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक पैरासाइट। सो हेलमिंथ मतलब बड़े, जिनके अंडे होते हैं, जो आपके शरीर के अंडर अंडे दे सकते हैं, जो आपके शरीर के अंदर रह सकते हैं, राउंड वर्म, टेप वर्म, ऐसे वर्म, वो वर्म। सो ये हो गया, एस्केरियासिस भी वर्म्स हो जाते हैं। ये बहुत ज़रूरी है कि इन सारी चीज़ों को समझना, भाई कहाँ से आते, क्यों आते, कौन के होते, ये सब मेडिकल फील्ड की जानकारी है। हर चीज़ आप नहीं समझ सकते, हम समझते हैं, लेकिन बेसिक तो समझ सकते हो कि कोई भी इनमें से चीज़ आपके शरीर के अंदर जाती है तो कहाँ से जाती है, और जाएगी तो क्या करेगी, यही सारी चीज़ें आपके इम्यून सिस्टम पे अटैक करेगी, इम्यून सिस्टम इन पे अटैक करेगा, आपके शरीर के अंदर ब्लड, वाइट ब्लड सेल्स हैं, एंटीबॉडीज़ हैं, इनके मैकेनिज्म है इन सबको अटैक करने के लिए। और नॉर्मल सिंपल कॉमन कोल्ड होता है, आप खुद ठीक कर लेते हो, हफ्ते भर में ठीक आ जाते हो, कोई मेजर बीमारी होती है, बेड पे पड़ जाते हो, अस्पताल पहुंच जाते हो, आईसीयू पहुंच जाते हो, कोई सीरियस बात हो जाए तो। सो प्रिवेंशन, सो सबसे इंपॉर्टेंट है, कोई भी जर्म, कैसा भी जर्म हो, प्रिवेंशन हो सकता है। द बेस्ट वे कि आप प्रिवेंट करें इन्फेक्शंस, डिजीज फ्री रहें, उसके बाद सिंपल टैक्टिक्स है। नंबर वन बिगेस्ट है हाथ धोना, जी हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट है हाथ धोना, बीमार से कॉन्टैक्ट नहीं करना, कंटेमिनेटेड फूड और वाटर से बचना, गरम गरम खाना खाना, वैक्सीन्स लेना और सही टाइम पे सही मेडिसिन खाने।
हाथ धोना सबसे सबसे ज्यादा आवश्यक है भैया, इसकी जिम्मेदारी, इसके इसकी इंपॉर्टेंस बता ही नहीं सकते आपको, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ है ही नहीं। वैक्सीन इंपॉर्टेंट है वायरसेस के लिए, और कभी कभी कुछ बीमारियां, दूसरी बीमारियों के खिलाफ भी वैक्सीन आती हैं, बट टिटनस टॉक और इन्फ्लुएंजा, फ्लू, ये बहुत कॉमन से वैक्सीन हैं जो आप लगाते रहते हैं, और बचपन में भी बहुत सारी वैक्सीन लगती हैं। मेडिसिन बहुत ज़रूरी होती हैं, जैसे ही आपके अंदर कोई जर्म, एंटी पैरासाइट्स आ गया, जर्म्स आ गए, मानो इतने बड़े बड़े पैरासाइट होते, एक हाथ गोली से ठीक हो जाते, एक गोली से ठीक हो जाते हैं पैरासाइट, और आप भाई साहब चेक ही नहीं कराओगे तो कैसा पता चलेगा। सो अगर आप इनमें से किसी भी चीज़ को सोचते हो कि आपके अंदर हो गया, आपको हो तो नहीं गया, तो आपको सिम्टम्स क्या हो सकते हैं, इनमें बहुत सारी जगह जा सकते हैं, तो अगर आपको इसमें से कोई सिम्टम है तो डॉक्टर को जाके दिखाओ। अगर आपको किसी एनिमल या ह्यूमन ने काटा, अगर आपको ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रही है, खांसी हो रही है एक हफ्ते से ज़्यादा, अगर आपके रैपिड हार्ट बीट, बहुत दिल की धड़कन बढ़ रही है, कोई रैश आ गया है, बुखार आ गया है, साथ में रैश बुखार, सूलन सूजन हो गई है, विजन प्रॉब्लम हो रही है, वॉमिटिंग हो रही है, सीवियर हेडेक हो रहा है, ऐसे कोई भी सिम्टम है तो कोई ना कोई प्रॉब्लम्स है इसमें, आपको जाके दिखाना है, और आपके डॉक्टर फिर उसमें जांच करेंगे कि आपके केस में हाउ टू डायग्नोस कि आपको कौन सा ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल क्या है और आगे क्या करना है। सो दिस इज द इन्फॉर्मेशन आई नीड टू गिव यू एंड यू नीड टू शेयर अ हेड, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। थैंक यू सो मच एंड यू कैन आस्क योर क्वेश्चंस।